घंटे पहले के जो लोकल दुकान वाले हैं वो लोग खाद यहाँ से लेके चले जाते हैं और आप लोग लोकल दुकान वालों को दे देते हैं। ये इल्जाम इन लोगों का, मेरा नहीं है। अच्छा। समझिए, जो अगर हो रहा होगा अभी तो आज से एकदम ऐसा मैं काम हो रहा हूँ। हाँ, अगर ऐसा हो रहा होगा तो आज से ऐसा ऐसा अपना काम कर। पूरे चंदौली में कहीं भी खाद नहीं मिल रहा है, खाद की बहुत किल्लत है, किसान बहुत परेशान है। किसान हमको जब फोन किए कि खाद विधायक जी कई दिन से हम लोग आके सुबह सवेरा खाए पिए यहाँ पर बैठ रहे हैं और खाद ये लोग देने का काम नहीं कर रहे हैं, और जब हम लोग चले जाते हैं तो यहाँ पे कहते हैं कि गाड़ी आई और खाद बांटने का काम किए। यही मैं देखने आया कि सच में कुछ माहौल है क्या। यहाँ आने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि सच में खाद नहीं है। क्या बता रहे हैं अधिकारी? कह रहे हैं कि खाद आती है चली जाती है, रखने की जगह नहीं है। 52 एकड़ में यह मंडी समिति है, यहाँ पर भी खाद रखने के नहीं है तो शर्म लगनी चाहिए। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो खाद नहीं देगा किसानों को उसको रासुका लगेगी, और एक तरफ खुलेआम यूं कह लीजिए कि भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है किसान भी, तो एकदम परेशान है और दो दो तीन तीन दिन घुमाया जा रहा है, उसके बाद एक दो बोरा देने का काम कर रहे हैं। दो दिन का ये टाइम लिए हैं, दो दिन में अगर खाद यहाँ उपलब्ध नहीं होगी तो एक आंदोलन का रूप एक पकड़ेगा, क्योंकि महामारी को देखते हुए हम लोग कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर दो दिन में नहीं देंगे तो हम लोग भूलने का काम करेंगे कि रोज रोज तिल तिल मरने से अच्छा है कि महामारी में हम लोग आंदोलन करके ही मरने का काम करेंगे।